देते रहे। हमें काफी भक्त लोगों ने ये गीता प्रदान की है और हम इसका थोड़ा सा अध्ययन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गीता यथार्थ है और हमारे जो पूर्वज हुए हैं गोविंद, उन्होंने गीता को स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये डायरेक्ट आध्यात्मिक विषय है गीता। तो बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भगवान आप प्रभु का दान कर रहे हैं, प्रभु आपको सदा सब कुछ दे। मेरी तो केवल यही कामना है, बोल गोविंद भगवान की। और ये दद्दा हमारे 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों से हम सदा आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी बेटी है, बोल गोविंद भगवान की। परशुराम जी नाराज हुए, लक्ष्मण जी तो देखो राम कुछ नहीं बोले, पर लक्ष्मण खड़े हो गए, भैया सीधी सादी बात कर रहा है, आप जहरी उगल रहे हो, हैं? अरे क्या आपको बोलने की भी सभ्यता नहीं है? हमारे भैया इतने सरल हैं और आप ऐसे बात करते हैं? परशुराम बोले, इनसे हो रही थी बात, ये बीच में कौन टपक पड़ा? कौन हो तुम? राम जी बोले, मेरा छोटा भाई है। हाँ, ये नादान है, इसे बुरे भले का बोध नहीं, क्षमा करना। लक्ष्मण जी ने देखा भैया इनके हाथ जोड़ रहे, अरे भैया ये क्या बात है, आप इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े क्यों, ये कौन है? अरे महापुरुष होंगे, अपने लिए हैं, इतने बड़े हैं, बलधारी हैं, कोई भी सही, अपने लिए हैं, इनको सम्मान करने की भी जरा तहजीब नहीं है। भगवान श्री राम तो जब बोलते हैं ना तो परशुराम शांत हो जाते हैं, और जैसे ही लक्ष्मण बोलते हैं तो परशुराम को ऐसा लगता कि हजारों बिच्छू डंक मारती हो। परशुराम जी कहने लगे, हटा लो राम जी, मुझे लग रहा है कि इनकी मौत नजदीक आ गई है, हाँ, और ये मरेंगे हमारे हाथ से, इसलिए हटा लो, इनको पता नहीं है, ये फरसा कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को छत्रियों से विहीन किया है, इसलिए हटा लो इन्हें मेरे सामने से। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, उसी समय लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने कहा है, अरे भैया क्यों, यदि आपने मारे हैं तो कोई बहादुर वीर नहीं मारे, मैं बहुत देर से आपका सम्मान कर रही हूँ मुनिवर, और भैया भी सम्मान कर रहे हैं, पर आप तो सम्मान ही भूल रहे हैं। अरे आपने मारे हैं 21 बार इस पृथ्वी को, आपने छत्रियों से विहीन किया है, इस फरसे से कोई बहादुर वीर मारे हैं क्या? अरे मैंने तो देखा है कि इस फरसे से मारे हैं तो घर में ही अपनी मैया और अपने भैया, कौन से तुमने पहाड़ उठाए। उसी समय परशुराम जो थे भैया, उतरी हुई कमान फिर से चढ़ गई और जोर से क्रोध आया और कहने लगे, मेरी समझ में आ गया है कि इस बच्चे की मौत नजदीक है, ये नहीं बच सकेगा, हटा लो इसे, एक फरसे में इसकी मौत होगी, मौत। लक्ष्मण जी जी, हाँ ये ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान और 501 रुपए का सम्मान ये जिला अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह, ये भैया हमारे जो है सम्मान कर रहे हैं, सूबेदार मेजर, और इन्हीं के साथ में भारतीय पूर्व सैनिक इटावा से, और ये श्री रघुराज सिंह और अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह और महामंत्री श्री कृपाल सिंह, और इसके बाद में ये हमारे ब्रजेश कुमार भैया और संबोध कुमार, ये सभी भाई हमारे सम्मान कर रहे हैं इटावा से। बहुत बहुत आप सबको बधाई, और भगवान से कामना करेंगे कि सदा आगे बढ़ें और हमारी बहनें भी सदा सुखमय जीवन रहें, ईश्वर से हमारी कामना है, बोल गोविंद भगवान की। बोले परशुराम, राम जी हटा लो इसे मेरे सामने से, एक ही फरसे में इसकी मौत हो गई। माने ना समझाने से
हटा लो इसे। जैसे ही क्रोध किया परशुराम ने, तो उसी समय विश्वामित्र जी बोले, किन पे क्रोध कर रहे हो महाराज, ये भगवान है, भगवान है। बोले बिल्कुल, बोले ये दोबारा टूटे धनुष पे चाप चढ़ा दे, हम समझ लेंगे। राम जी को इशारा किया गुरु जी ने, जाओ इनका भी संदेह दूर करो। सो गए भगवान श्री राम, पुनः चाप धनुष पे चढ़ाया, और उसके बाद में परशुराम को विश्वास हुआ, भगवान राम के चरणों में वंदन किया, मंदराचल पर्वत की तरफ चले जाते हैं। जानकी मैया सखियों के साथ माला लेकर के चली है और राम जी से कहते हैं, तनक झुक जाओ ना, झुक जाइयो लला रघुवीर सिया मेरी बारी है। अब राम जी तो झुके जाए परीक्षित महाराज पर, मुसीबत बहुत है सामने। जैसे ही राम ने मन बनाया भी, क्योंकि वो बड़े सरल है, लक्ष्मण जी ने देखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ससुराल है, आज झुक गए तो सब जिंदगी झुके रहे हो। क्या हुआ, सीधे खड़े भगवान की सखिया बुलाए जी जान की सजाई के, और बोली सखिया जी माला डालो सीता जी, वो 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 माला डालो सीता जी। क्या हुआ, छोड़ो।